कुशीनगर के थाना रामकोला के अंतर्गत शिवपुरा मठिया में हाईकोर्ट के आदेश पर कोटा निरस्त होने के बाद पुनः कोटे के चुनाव में ग्राम प्रधान अनिल विश्वकर्मा एवं सचिव एडीओ पंचायत रामकोला चौकी प्रभारी खोटही एवं पीएससी के साथ चुनाव संपन्न कराया गया। चुनाव में ग्राम पंचायत के लोगों में बहुत अधिक उत्साह देखने को मिला कि लोग अपना मत देने के लिए पंक्तियों में खड़े होकर चुनाव जब तक नहीं हो गया तब तक भीड़ लगा रहे। अंत में 3 प्रत्याशियों में अमरजीत गुप्ता जी को विजयी घोषित किया गया। एग्रीकल्चर के पद पे विकास खंड रामकोला कुशीनगर में तैनात जी। सर ये जो चुनाव चल रहा है कोटे का इसमें किसको विजयी आप घोषित किए हैं? अभी अभी काउंटिंग करने के अनुसार जो है अमरजीत गुप्ता को 241 मत मिले हैं, अजय कुमार के पक्ष में 239 मत मिले हैं और एक तीसरा प्रत्याशी डम्मी प्रत्याशी के रूप में साबित हुआ है उसको मात्र 17 मत मिले हैं। इस प्रकार से अमरजीत गुप्ता को 2 मत से ग्राम पंचायत शिवपुर मठिया का कोटेदार नियुक्त किया। जी सर आपका शुभ नाम क्या है? आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं? जी सर। सर इस कोटा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? श्री अमरजीत गुप्ता ने विजय प्राप्त किया है 2 मत से, हम यही उनको यही कहेंगे कि जो सुचारू रूप से कार्यधारकों को वितरण करें किसी भी मामला में उन्होंने क्या है? मेरा नाम नियाज अहमद का है, वर्तमान में मैं चौकी इंचार्ज कोठई हूँ, थाना रामकोला में कोठी है। सर आप सुने बहुत समय से यहाँ समय दे रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे कोटे के संबंध में? कोटे में आज मैं पहली बार आया हूँ इस चुनाव में, इससे पहले 5 बार लोग चुनाव कराने के लिए अपर्पित हुए थे। उस समय मेरी कोचिंग यहाँ नहीं थी, हमारे पुराने स्कूल के सबइंस्पेक्टर अमरिंदर कनौजिया थे। आज जो है पहली बार मैं आया हूँ और इस बारे में सुना हूँ कि यहाँ 5-5 बार मेरा सोचता है, इसलिए वही से संकल्प करके चले थे कि किसी भी दशा में चुनाव था कुशल संपन्न कराऊंगा और आपके सामने खड़ा जी। इसी गांव के निवासी हैं ना? सुने हैं कोटा की चुनाव जीते हैं। कुशीनगर से दिलीप कुमार भारती की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़, कुशीनगर।